भी बनाएंगे मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर है तो कैसे छोड़ें? यादव माधव का इतिहास है, यादवंश से हम छोड़ कैसे देंगे? तो नीतीश कुमार इतना खिलाफ क्यों जा रहे हैं मंदिर के? नीतीश जी इतना खिलाफ क्यों हो रहे हैं मंदिर के? नीतीश कुमार जी के दिमाग में आसुरी शक्तियां डेरा बना ली है। अब नीतीश कुमार जी को बड़ा बड़ा दांत निकलना बाकी है जैसे असुर लोग का होता है। तो दोनों भाई लड़ने के लिए तैयार है नीतीश जी से इस मामले को लेकर के? दोनों भाई लड़ने के लिए तैयार हैं? लड़ ही ना रहे हैं यहाँ, अब कैसे लड़ाई होता है? आगे भी जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे गरीबों का, जब तक उनका रोजगार नहीं मिलेगा। अरे नीतीश जी को तो आके यहाँ मुलाकात करना चाहिए जनता लोग से, उनका क्षति किया जमीन पे लोग सोए हुए हैं, तो नीतीश कुमार जी को ना सोचना चाहिए। नीतीश कुमार जी काहे चुप्पी साधे हुए हैं? ये कहाँ से टूटा, किसने आकर के तोड़ा? सब एक दूसरे के ऊपर फेंक रहा है, डीएम बोल रहा है कि कमिश्नर तोड़ा, कमिश्नर बोल रहा है कि डीएम तोड़ा, कौन एक दूसरे के ऊपर फेंक रहा है? नीतीश जी का आत्मा के तोड़ा क्या? कहाँ कोई आश्वासन मिला है अभी तक? जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ हिलने वाले हैं। मंदिर तोड़ने से नहीं होगा, वो तो उनको पाप लग गया होगा मंदिर तोड़ने का। जगह जगह पे मंदिर तोड़वा रहे हैं, कभी हनुमान मंदिर है, कभी उधर राजवंशी नगर में रन बसेरा है, अतिक्रमण है, कहाँ है, क्या है, ये सीधे प्रहार है आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के पुरदा है। जो गरीब गुरबा कुर्सी पर नहीं बैठ सकता था उसको कुर्सी पर बैठाने का इन्होंने ही आगे पहल किया, आगे बढ़ाने का काम किया, और उन्हीं की लड़ाई को लेकर हम और कृष्ण अर्जुन आगे बढ़ा रहे हैं। ये धरना में बैठे हुआ देखने का यहाँ काम करते थे, तो एक तरीके से सरकारी का प्रॉपर्टी हम लोग बचाने के काम कर रहे हैं। मंदिर निर्माण के लिए फिर कुछ पहल कीजिए क्या? तो मंदिर निर्माण तो हम पहले भी किए हैं, अपने सरकारी आवास में मंदिर बनाए हैं। भैया चौकिया व्यवस्था भीड़ मत आइए ना। खींचना तो खींचो, नहीं तो मुझे रास्ता तो ना ऐसे।